हमने इशू ऑफ शेयर्स का प्रोसीजर देख लिया है कि किस तरीके से शेयर्स इशू करे जाते हैं। अब हमें आज सीखना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फोर फीचर एट री इशू ऑफ शेयर्स। अभी फोर फीचर ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स होता क्या है? यहाँ पे हमने कॉल्सिव एरियर्स पढ़ा था। कॉल्सिव एरियर्स का मतलब क्या होता है कि हमने पैसा मांगा लेकिन हमें पैसा मिला नहीं। हम मांग रहे कि यार पैसा दो हमें, हमने आपको अपनी कंपनी की शेयर्स दी है, हमने आपको अपनी कंपनी का एक राइट दिया है, तो भाई पैसा देना तो बनता है ना आपका, बट आप पैसा दे नहीं रहे हो। हम आपको कंटिन्यूअसली रिमाइंडर दे रहे हैं कि यार पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो, आप पैसा नहीं दे रहे हो, तो हम आपको एक नोटिस जारी करेंगे, है ना। हम आपको एक नोटिस जारी करेंगे और उस नोटिस को जारी करने के बाद हम आपको मिनिमम 14 डेज का टाइम दिया जाता है। 14 दिन का एक समय दिया जाएगा, मिनिमम समय, ये मिनिमम टाइम पीरियड है। हमने 14 डेज का एक नोटिस दिया कि आपके पास ये 14 दिन है, अगर इसके अंदर आप पेमेंट कर देते हो तो ठीक, अदरवाइज फिर फर्दर एक्शन लिए जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या है एज एन इन्वेस्टर, आप बहुत आराम से बैठे हुए कि ऐसे कैसे क्या कोई कुछ कर लेगा, आप बहुत चौड़ में हो, आपने कहा कोई कुछ नहीं करने वाला, आपने हमारे नोटिस को इग्नोर कर दिया। हमने कहा ठीक है जी, कर दिया नोटिस इग्नोर, कोई बात नहीं। अब ये जो हमने आपको अपनी कंपनी का राइट दिया था, जो अधिकार दिया था शेयर नाम का, ये अधिकार अब हम आपसे छीन लेंगे और हम आपके शेयर्स को क्या कर देंगे, कैंसिल। क्या कर देंगे? कैंसिल। तो कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स इज नोन एज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, जहां पर हम आपके राइट को कैंसिल कर देते हैं, आपकी ऑनरशिप के राइट को खत्म कर देते हैं, उसे कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई सपोज करो 10 रुपए का शेयर था, हमने पैसे कुछ इस तरीके से मंगवाने थे, कितने हो गए 5, 6, 7, ये हो गई आपकी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये फाइनल कॉल थी, ठीक है। आपने अलॉटमेंट तक पैसा दिया था, हमने आपसे फर्स्ट कॉल मांगी, आपने पैसा नहीं दिया, हमने आपसे फाइनल कॉल मांगी, आपने पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल के बाद भी हमने आपको मौका दिया कि शायद आप पैसा दे दो, आपने पैसा नहीं दिया, तो भाई हमने आपके शेयर्स को फाइनल कॉल के बाद क्या कर दिया, फॉरफीट कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब आपके पास इस चीज का भी इंटीमेशन दिया कि आपके शेयर्स को कैंसिल कर दिया गया, फिर आप आए थोड़े थोड़े भागे भागे हमारे पास कि आपने शेयर को कैंसिल कर दिया, कर दो ना, जाओ करना है कर दो, बट एक काम करो, हमने आपको पर शेयर के हिसाब से 5 रुपए दिए हुए हैं, वो वापस कर दो। हमने कहा कौन से 5 रुपए, कैसे 5 रुपए, अब कुछ नहीं मिलेगा, जो दे दिया सो दे दिया, अब कुछ वापस नहीं मिलने वाला, शेयर्स भी हमारे पास आ गए, आपके 5 रुपए भी हमारे हो चुके हैं। जैसे आप अगर गाड़ी फाइनेंस कराते हो, आपने गाड़ी को फाइनेंस कराया, आपने टोकन मनी दी होगी स्टार्टिंग में, आपने जब बुकिंग करी होगी बुकिंग अमाउंट दिया होगा, फिर आपने डाउन पेमेंट दी होगी, फिर आपने किस्तें बनवाई होगी, आपने एक किस्त दी, आपने दो किस्त दी, तीसरी किस्त के बाद आपने पैसा देना बंद कर दिया, बैंक से रिमाइंडर आते हैं, रिमाइंडर आते हैं, फिर एक फाइनल नोटिस आता है, आपने फाइनल नोटिस को इग्नोर कर दिया, तो क्या होता है, बैंक वाले आते हैं, गाड़ी की चाबी लेते हैं, गाड़ी उठा के ले जाते हैं, कुछ पैसे दे के जाते हैं क्या, जो आपने किस्तें भरी होती है वापस कर दे जाते हैं क्या, कुछ नहीं मिलता आपके यहाँ। उसमें तो राइट होता है ना हमारे पास, जितने पेमेंट हम कर चुके उसके बाद से दोबारा पेमेंट करनी चालू करते हैं, आपने रिस्पॉन्स किया ना तो होता है बाद में, आप रिस्टार्ट करना चाहते हो, यहाँ तो आप इग्नोर कर रहे थे हमें, हमने तो बहुत टाइम दिया था आपको, हमने आपको रिमाइंडर दिया तो था, हमने कहा तो था रिस्पॉन्स करो एक बार, आओ तो सही हमारे पास, आप आए नहीं, आपने पलट के देखा ही नहीं हमारी तरफ, तो फिर हम भी पलट के देख रहे हैं, राइट, शेयर्स ले लो, कैसे ले लोगे बाकी के पैसे, कुछ नहीं होता। सो दिस इज फोर फीचर ऑफ शेयर, तो उसमें तो कंपनी का फायदा है, नुकसान थोड़ी है, वो तो कंपनी का फायदा, कंपनी के पास खुद के शेयर्स भी आ गए और प्लस जो पैसा आप पे कर चुके थे, भाई अलॉटमेंट भी ना दिया, एप्लीकेशन तो सभी देते हैं, वो पैसे कंपनी की जेब, ठीक है। तो फोर फीचर का कॉन्सेप्ट ये है, अब इसको करते कैसे, फोर फीचर किस तरीके से किया जाता है, जब आप शेयर्स बांट रहे थे तो आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे थे, क्योंकि वो एक तरीके से आपकी लाइबिलिटी थी कि किसी बंदे ने आपके यहाँ पर पैसा लगाया। अब आप उन शेयर्स को कैंसिल करने जा रहे हो तो आप उसे क्या करोगे, डेबिट, तो यहाँ पर लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने अमाउंट से किया जाएगा, क्या होगा, वो बात की बात है। शेयर्स इशू करने के कितने तरीके होते हैं, मैंने आपको केसेस वाइज नहीं पढ़ा रही, देखो पेपर में कभी भी केस लिखा हुआ नहीं आता है, ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो जैसे हम 12th में तो कि आप बिगिनिंग लेवल पे होते हो तो हमारे एक चीज का ना आपको केस पढ़ाते हैं, हर एक चीज का, कि शेयर प्रीमियम पेश हुआ था, शेयर प्रीमियम पेश नहीं हुआ था। अब मैं ऐसा कोई केस वेस के तरीके से नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाऊंगी, ठीक है, कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आपको एंट्री करनी है। अब शेयर्स को इशू करने के कितने तरीके हैं, दो ही, या तो पार या फिर प्रीमियम। अगर आपने शेयर प्रीमियम पर इशू करा,
ठीक है, और प्रीमियम नहीं मिला तो क्या होना चाहिए? जब आप प्रीमियम पे इशू करते हो, आप एंट्री करते हो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, आप टू सिक्योरिटीज प्रीमियम नाम का एक अलग से अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है, कि आपकी एक प्रीमियम के नाम की एक अलग से इनकम होने वाली है। बट किसी ने अलॉटमेंट नहीं दी तो क्या उसने प्रीमियम दिया होगा? नहीं, तो आपका प्रीमियम के नाम का वो अकाउंट वो इनकम ओपन नहीं रह गई। इन फ्यूचर आपको दिखता रहेगा ना कि टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जबकि वो इनकम आपको मिली नहीं है। तो अगर आप किसी ऐसे शेयर को कैंसिल करते हो जिसे आपने कभी प्रीमियम पर इशू किया था और प्रीमियम नहीं मिला, तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी क्लोज करना होता है, ठीक है। तो जब आप फोरफीचर की एंट्री कर रहे होते हो तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट करना होता है। ब्रैकेट में लिख देना इफ नॉट रिसीव्ड, अगर नहीं मिला सिर्फ तो ही डेबिट करना है, अगर मिल गया या क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं तो आपको नहीं लिखना ये, ठीक है। उसके बाद टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, अब ये क्या अकाउंट है? इस अकाउंट में वो पैसा आप लिखोगे जो पैसा आपको मिल चुका है, ठीक है, जो पैसा आपने जब्त कर लिया है, बेसिकली जो आपको पैसा मिल चुका था ऑलरेडी उन शेयर्स के ऊपर, जितना भी मिला था टोटल, वो सारा पैसा आप यहाँ पर लिखते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आपको पैसा नहीं मिला, जो भी कॉल रिसीव नहीं हुई, जैसे कि टू शेयर्स अलॉटमेंट, सपोज अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई, टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड सो ऑन, जो भी नहीं रिसीव हुई होगी, या इसके बिहाफ पर मैं लिख दू टू कॉल सेल एरियर्स अकाउंट, ये आपकी एंट्री है किस चीज की? फोरफीचर। मैंने एक ही एंट्री में आपको सारे केस करा दिए, अभी मैंने कोई अलग अलग केस नहीं कराया, नहीं तो मेरे को तीन बार ये चीज समझानी पड़ती, मैंने एक ही बार में समझा दिया आपको, ठीक है। अब अमाउंट कैसे कैसे आते हैं, शेयर कैपिटल, भाई जिन शेयर्स को छीनने जा रहे हो सिर्फ उन्हीं से मतलब है। सपोज करो 10,000 शेयर्स इशू करे थे लेकिन छीने सिर्फ 500 हैं, तो यहाँ पे 500 शेयर्स से मतलब है मैं, तो फॉरफिटेड शेयर्स इनटू कॉल्ड अप अमाउंट, मतलब जितने से क्रेडिट किया है उतने से ही तो डेबिट कर सकते हो। आपने 10 रुपए का शेयर था, ठीक है, 10 में से 3 रुपए एप्लीकेशन के थे, 2 रुपए अलॉटमेंट के थे, 1 रुपए फर्स्ट कॉल के थे, फिर 2 रुपए सेकेंड कॉल के थे, और आगे भी कुछ मांगे ही नहीं है, आगे आपके बैलेंस अभी मांगा ही नहीं है। आपने शेयर्स सेकेंड कॉल के बाद छीन लिए तो कितना पैसा मांग चुके हो 10 में से? क्या आपने पूरे 10 रुपए मांग लिए? कितने पैसे मांग लिए? 5, 6, 7, 8 8 रुपए मांगे, इसका मतलब 8 कॉल्ड अप है ना, आपने 8 रुपए से ही शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया होगा, बचे हुए 2 रुपए तो आपने तब मांगे नहीं थे, तो उसको कैंसिल कैसे करोगे? तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी 8 से करोगे, जैसे 500 शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं तो 500 × 8, बात समझ आ गई? ठीक है, ऐसे ही प्रीमियम 500 शेयर्स का सपोज करो 1 रुपए का प्रीमियम है तो 500 × 1, अगर नहीं मिला है तो, जितने से नहीं मिला उतने से लिखते हैं। उसके बाद शेयर फॉरफिटेड में अमाउंट रिसीव ऑन शेयर्स, या मैं कहूं ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, या फिर इसके लिए हम एक बहुत अच्छा सा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, पेड अप अमाउंट। पेड अप अमाउंट मतलब जो पैसा मिल चुका है, और ये हो गया अनपेड अमाउंट, जो पैसा नहीं मिला। समझ आ गई एंट्री? अब देखो हमने शेयर्स छीन लिए हैं, हमने शेयर्स कैंसिल कर लिए हैं, बट यार हमें तो पैसा चाहिए ना उसके ऊपर, उन शेयर्स को रख के हमने क्या करना है? हमने तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करानी है, तो हम क्या करेंगे? उन शेयर्स को रीइश्यू करेंगे। अब वो जो बैंक वाले आपकी कार्ड जब्त करके ले गए थे तो उन्हें चलानी थोड़ी है, ऐसे पहले कितनी कार्ड लेके जब्त कर रखी होंगी उन्होंने, वो क्या करते हैं उसको आगे ऑक्शन कर देते हैं, बेच देते हैं। तो ऐसी कंपनीज भी करती है, कंपनी क्या करती है उनके शेयर्स को रीइश्यू, पर रीइश्यू इंस्टॉलमेंट में नहीं करती, वो वन टाइम आपका रीइश्यू होता है, एक ही बार में सारा पैसा मांग लिया जाता है। रीइश्यू कैसे किया जाए? देखो इशू तो सिर्फ दो ही तरीके से कर सकते हैं, पार और प्रीमियम, या तो जितने का है उतने का बेच देंगे या उससे ज्यादा का बेचेंगे। लेकिन जब रीइश्यू होता है, भाई सेकंड हैंड चीज हो गई अब, तो अब वो सेम रेट पे भी जा सकती है, किस्मत अच्छी हो तो ज्यादा पे भी जा सकती है, और यहाँ पे डिस्काउंट पर भी जा सकती है। बट जो डिस्काउंट है उसकी एक लिमिट है, कितनी लिमिट है?
सपोज करो कि 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए मिल गए थे, 4 रुपए नहीं मिले, तो आप 6 रुपए का डिस्काउंट बर्दाश्त कर सकते हो, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप रीइश्यू पे 6 रुपए दे सकते हो। तो इसका मतलब मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना होगा, मिनिमम रीइश्यू प्राइस होगा 4 रुपए, यानी कि कम से कम आपको शेयर 4 रुपए का तो इश्यू करना ही पड़ेगा कम से कम। ये दो कॉन्सेप्ट याद करने हैं, मिनिमम रीइश्यू और मैक्सिमम डिस्काउंट। अब तीन तरीके आपके पास वही रीइश्यू करने के, एट पार, सेकेंड एट प्रीमियम, थर्ड कंडीशन एट डिस्काउंट, या मैं इसे कह दूं एट लॉस। ठीक है, ये तीन तरीके से आप शेयर इश्यू कर सकते हैं रीइश्यू के टाइम पे सर। तो क्या एंट्री बनती है भाई, पैसा आएगा आपके पास शेयर बेच रहे हो तो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अगर पार पे है तो, कोई कंडीशन ही नहीं है फर्दर। अगर प्रीमियम पे है तो यही एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। उसके बाद अगर लॉस पे है तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एक डिस्काउंट है या लॉस है, तो डिस्काउंट और लॉस बढ़ने पर क्या होते हैं, डेबिट। भाई ये तो हम सीख कर आ चुके, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो डिस्काउंट है या लॉस है, ये कहाँ से पैसा आएगा, ये पैसा वहीं से आएगा जो पैसा आपने जब्त कर रखा है, जो पैसा आपने उनका छीन लिया था, फॉरफिटेड शेयर पे रखा हुआ था, वहीं से वो पैसा निकालना होता है। तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा शेयर, वो जो याद है आपने क्रेडिट किया है एक अकाउंट, वो यहाँ पर आकर आप डेबिट कर दोगे जितने से आपको नुकसान हुआ है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है, तो अगर लॉस है तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब तीनों में से चाहे केस कोई सा भी हो, चाहे आपने पार पे रीइश्यू करा हो, प्रीमियम पे रीइश्यू करा हो या डिस्काउंट पे, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई हो सकता है फायदा हुआ हो रीइश्यू पे, तो उन फायदे को आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि ये होते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स, और जितने भी कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं वो साल के एंड में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होते हैं। तो लास्ट में आपको एक एंट्री पास करनी है रीइश्यू के बाद, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसमें पैसा कैसे ट्रांसफर होगा, उसका एक फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक है, वो फॉर्मूला किस तरीके से इस्तेमाल होगा ये मैं आपको बता दूंगी, सिर्फ अभी लिख कर रख लो। फॉर्मूला है फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन में फॉरफिटेड शेयर्स इनटू रीइश्यू शेयर्स माइनस लॉस ऑन रीइश्यू। ठीक है, फॉर्मूला लिख के रख लो, कैसे यूज होगा, कब इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 15, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 15 देखो, फॉरफिटर एंड रीइश्यू का ही क्वेश्चन है। चार पार्ट्स दे रखे हमें क्वेश्चन में, अलग अलग तरीके से हमें फॉरफिटर करना है। ठीक है, एक तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपको कब क्या करना होगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, द डायरेक्टर्स ऑफ ए लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 50 ईच। पहली इंफॉर्मेशन ये मिली कि 500 शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं जो कि 50 रुपए का एक शेयर है, 40 बीइंग कॉल्ड अप, लेकिन पैसा कितना मांगा हमने, 40। तो भाई हमें ना 40 रुपए से मतलब है, क्योंकि हमें कॉल्ड अप से मतलब होता है कि पैसा हमने मांगा कितना, तो 40 रुपए कॉल्ड अप है। ऑन विच राधा अ शेयर होल्डर पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनीज ऑफ ₹25 पर शेयर। इस 40 में से 25 रुपए जो कि एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट दोनों को मिलाकर है वो मिल गए हैं, बट डिडंट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹15 पर शेयर, लेकिन 15 रुपए की जो फर्स्ट कॉल थी उसकी पेमेंट नहीं आई है। ऑफ दीज प्रॉफिटेड शेयर्स द कंपनी सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड 350 शेयर्स एज फुल्ली पेड अप। अब आपसे छीने कितने गए शेयर्स, फॉरफिट कितने किए गए हैं, फॉरफिट किया गया 500 शेयर्स, लेकिन 350 शेयर्स को रीइश्यू किया गया। बच्चा यहां तक की बात तो समझ लेता है, वो रीइश्यू में गड़बड़ करता है कि कंपैरिजन किससे करना है। देखो लास्ट की लाइन लिखी हुई है रीइश्यू 350 शेयर्स एज फुल्ली पेड अप। अब फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है, ये शेयर फुल्ली पेड अप कब होगा, जब पूरे 50 रुपए मिल जाएंगे। अच्छा भाई, शेयर तो अल्टीमेटली 50 का ही था ना, वो तो आपने मांगे 40 है,
और फुल्ली पेड अप का मतलब क्या, पूरे 50 रुपए एज फुल्ली पेड अप फॉर 40 पर शेयर। यानी कि वो कहने जा रहे हैं कि हमने ना अपना 50 का शेयर 40 रुपए में बेच दिया है। हाँ तो वो 50 का, लेकिन हम 40 का बेच रहे हैं, यानी कि 10 रुपए का दे रहे हैं वो क्या, डिस्काउंट। आगे बात समझ में, फॉरफीचर में क्या हुआ है, रेशियो में क्या हुआ है। अब करते हैं इसकी एंट्री जी, ध्यान से समझ में। पहली एंट्री शेयर, पहली एंट्री क्या है हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम आया क्वेश्चन में? नहीं, जब लिखा ही नहीं है सिक्योरिटीज प्रीमियम तो क्यों लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है। टू क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब पैसा कैसे डालोगे इसके अंदर, कितने शेयर्स छीनने जा रहे हो, 500 शेयर्स छीनने जा रहे हो इंटू कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितना है 40, ठीक है। तो इंटू 40 कितना आ गया, 20,000, ये आ गया आपका 20,000। इसमें कौन सा पैसा आता है फॉरफिटेड शेयर्स में, जो पैसा मिल गया, तो आपको 500 शेयर्स पर कितने पैसे मिल गए थे, सिर्फ 25 रुपए। तो यहाँ लिखा आपने 25, यानी के 12,500। फिर यहाँ क्या लिखा जाएगा, जो पैसा नहीं मिला, 15 रुपए नहीं मिले आपको, तो 500 × 15 यानी के 7,500। हो गया कम्प्लीट, कैलकुलेशन सही चल रही है। आगे चलते हैं, री इशू करना है, सिर्फ कितने शेयर्स बेचने, 350 शेयर्स, ठीक है। तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि नुकसान पे बेचे हैं तो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो शेयर कैपिटल में तो जाएगा पूरा आपका फुल्ली पेड अप वाला अमाउंट, यानी कि पूरी फेस वैल्यू 350 इतने का, इतने में बेचा है, ठीक है आपको। यानी कि सामान तो पूरे 50 का मिल रहा है, अपने पैसे आपसे 40 रुपए लिए, तो डिस्काउंट हुआ 17,500। नुकसान कितने का हुआ है आपको, 350 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 3,500 रुपए का। आप बेच कितने का रहे हो शेयर, 350 शेयर्स बेच रहे हो 40 रुपए के हिसाब से 14,000। समझ आ गया, 40 का बेचा, 10 का डिस्काउंट दिया, 50 रुपए का आपको सामान दिया, ठीक है। लास्ट में क्या करते हैं, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या आपने सारे शेयर्स बेच दिए, बोलते हैं गेन ऑन री इशू, जितने शेयर्स आपने री इशू कर दिए उन पर होने वाला फायदा सिर्फ कैपिटल रिजर्व में जा रहा है। अभी आपने 500 शेयर्स छीने हुए, बेचे तो सिर्फ 350 है, अभी भी 150 शेयर्स हैं आपके पास, तो 150 शेयर्स का पैसा तो इसी अकाउंट में रहेगा, अभी जब तक वो शेयर्स री इशू मिलाते तब तक ये अकाउंट रहेगा। लेकिन जो शेयर्स आपने री इशू कर दिए उनका पैसा आप कैपिटल रिजर्व में डालोगे। अब कैसे डालोगे, मैंने बताया था आपको क्या, फॉरफिटेड अमाउंट, कितना पैसा छीन चुके हो आप, कितना पैसा आपके पास 12,500, लेकिन ये कितने शेयर्स पर है, 500 शेयर्स पर है। आपने बेचे कितने शेयर्स, 350, तो पहले आप यहाँ पे 350 शेयर्स का पैसा निकाल रहे हो, इसमें 350 शेयर्स का पैसा कितना बनता है, माइनस आपको नुकसान कितना हुआ है 3,500, ठीक है। नुकसान ये दिया ना आपने 3,500 का, ये हमने माइनस कर दिया, 5,250 का आपको गेन हुआ, तो आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, सो बी लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 50 ईच। अब यहाँ पर एक कंपनी 100 शेयर्स को फॉरफिट करने जा रही है, शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं, 50 रुपए का एक शेयर है, 35 पर शेयर कॉल्ड अप, यानी कि हमें तो 35 रुपए से मतलब है, 35 रुपीज कॉल्ड अप है, तो हमें सिर्फ कॉल्ड अप से मतलब है, ऑन विच 25 पर शेयर हैज बीन पेड, जिसके ऊपर 25 रुपए तो दिए जा चुके हैं, एंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 10 रुपीज पर शेयर बीइंग अनपेड, यानी कि 25 मिल गए हैं, 10 रुपए नहीं मिले हैं। द डायरेक्टर रीइश्यूड द फॉरफिटेड शेयर्स टू क्रेडिटेड 35 रुपीज पर शेयर पेड फॉर द रीपेमेंट ऑफ 25 पर शेयर। अभी लास्ट वाली लाइन क्या थी, मैं एक बार और रीड करती हूँ, दोबारा से सुनिए। द डायरेक्टर्स री इश्यूड द फॉरफिटेड शेयर्स टू बलदेव क्रेडिटेड 35 पर शेयर क्रेडिटेड, यानी कि आपके शेयर कैपिटल में 35 रुपए पर शेयर के हिसाब से डाले गए, फॉर अ पेमेंट ऑफ 25 पर शेयर,
लेकिन आपसे मांगे 25 रुपए, यानी कि 35 की चीज आपको 2500 मिल गई। अच्छा ठीक, 10 रुपए पर से डिस्काउंट, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम। आप खुद करिए एक बार, ठीक है? तो हमें कर लिया होगा क्वेश्चन सॉल्व, एक बार चेक कर लो अपना अपना आंसर। 35 रुपए कॉल्ड अप थे, 100 शेयर्स प्रॉफिट किए जा रहे थे, तो 100 × 35 शेयर कैपिटल अकाउंट में 25 रुपए मिल चुके थे, तो 2 शेयर प्रॉफिटेड में 25 रुपए, 100 रुपए 25 रुपए 100 शेयर्स के ऊपर, ठीक है? तो 2500 फर्स्ट कॉल नहीं मिली थी जो कि 10 रुपए की थी 100 शेयर्स में, तो 100 × 10,000। उसके बाद आपने 35 का शेयर 25 में बेचा था, तो 10 रुपए का नुकसान था, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2500, शेयर प्रॉफिटेड 10 रुपए के नुकसान के साथ, शेयर कैपिटल में 35 रुपए के हिसाब से। अब यहाँ पे जितने फॉरफिट किए उतने ही आपने रीइशू कर दिए, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जब फॉरफिटेड शेयर्स और रीइशूड शेयर्स इक्वल होते हैं तो आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्टली आंसर निकालना है। क्या आपने यहाँ पे 2500 रुपए इकट्ठे कर रखे हैं, कितने 100 शेयर्स पे ही करे थे, बेचे भी आपने 100 शेयर्स, उस पर आपको 1000 रुपए का नुकसान हुआ, तो 2500 - 1000 टोटल 1500 रुपए आपके कैपिटलिज्म में ट्रांसफर, ठीक है? तो इस तरीके से आपको फॉरफिटर रीइशू करना है, रिमेनिंग 2 पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे, उसको ट्राई करना है, फिर उसके बाद हम करेंगे पूरा एक बड़ा क्वेश्चन जिसमें प्रोराटा फॉरफिटर रीइशू सब कुछ होगा, ठीक है?